1982 में एक अमेरिकन राइटर ब्रायन प्रेस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अ सीक्रेट अ टीजर हंट। इस किताब में 12 पेंटिंग थी और हर पेंटिंग के साथ एक पहेली लिखी हुई थी। लेखक ने दावा किया कि हर पहेली को सुलझाने के बाद लोगों को बड़ा खजाना मिलेगा। लोगों ने समझा कि यह सिर्फ किताब बेचने का एक बहाना है या लेखक का सिर्फ एक मजाक है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किताब के मार्केट में आने के बाद उसकी 2 पहेली को सुलझा लिया गया और पहेली में जो छुपा एड्रेस था उस स्थान पर वाकई में खजाने मिले थे। इस किताब में एक संकेत दिया गया है, सारे खजाने नॉर्थ अमेरिका में छुपाए गए हैं और अगर आपने उस स्थान का पता लगा लिया तो आपके और आपके खजाने के बीच सिर्फ 3 फीट का फासला रहेगा। इस बेहद मुश्किल पहेली को समझने का बस एक ही तरीका है, वो है इस किताब में दी गई पेंटिंग को समझना। इस किताब में दी गई पेंटिंग आपको चैलेंज करती है। इस पेंटिंग में कई सारे संकेत दिए हैं जो कई प्रतिष्ठित मूर्तियों और जगहों के बारे में संकेत देते हैं। कई खजाने अभी तक नहीं खोजे जा सके हैं जो कई फेमस सिटीज में हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन, न्यू ऑरलैंस, मॉन्ट्रियल। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर खजाना है क्या, तो आपको बता दें कि किताब में यह बताया गया है कि खजाने की लोकेशन पर जमीन के अंदर 3 फीट की गहराई में एक कैस्क मिलेगा जिसमें एक सिरामिक की होगी जिसे पब्लिशर को लौटाने के बाद बहुमूल्य रत्न को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि पेंटिंग में दिखाया गया है, सिरामिक की का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि किसी मेटल डिटेक्टर से इसे पकड़ा ना जा सके। जब यह किताब छपी थी उस समय यह बताया गया था कि सारे रत्न की कीमत करीब $10,000 है, लेकिन आज के समय में इसकी कीमत कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है और इनमें से किसी एक के लिए भी जो रकम मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ब्रायन को यह बुक लिखने की प्रेरणा किट विलियम्स की बुक मास्क्राइट से मिली थी जो 1979 में यूके में पब्लिश हुई थी। मास्क्राइट में 15 पेंटिंग थे जो गड़ी हुई खजानों के बारे में क्लू देते थे। इस बुक की दुनिया भर में लाखों कॉपी बिकी थी। द सीक्रेट बुक को पब्लिश हुए 35 साल हो चुके हैं और अभी तक 12 में से सिर्फ 2 खजाने का पता लगाया जा सका है। बुक पब्लिश होने के 2 साल बाद 1984 में 3 लड़कों ने पहले खजाने का पता लगा लिया जो कि शिकागो में था और दूसरा खजाना 2004 में मिला जो क्लीवलैंड में था। इस बुक के ऑथर का मानना था कि इस बुक के पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर ही पहला खजाना का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने इस खजाने को इतनी अच्छी तरह से छुपाया है कि बुक पब्लिश होने के 35 साल बाद भी आज भी लोग खजाने की तलाश कर रहे हैं। ये बुक लिखने के पहले ऑथर ने खुद ही खजाने को अलग अलग जगह पर छुपाया था जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया और ये राज 2005 में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत के साथ दफन हो गया। लेकिन आज भी लोग उस खजाने की तलाश में पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका फ्री PDF लिंक दिया है, आप वहां से इस बुक को फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।